वेलकम टू यू स्टार एकेडमी। आज हम रेलवे के 10 अगस्त के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चंस के एनालिसिस लेके आए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस से। जैसा कि रीजनिंग में यहाँ पर देखने को मिला कि यहाँ पर अल्फाबेटिक कोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन वेस्ट, ब्लड रिलेशन, वाटर इमेज, मिरर इमेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे, पेपर फोल्डिंग, फिगर कंप्लीशन, इन टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन थे। अब पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था और यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन से रिलेटेड भी देखे गए थे। क्लॉक बेस्ड क्वेश्चंस थे, वाटर इमेज से बेस्ड भी क्वेश्चन देखे गए थे। मैथ में भी इसी प्रकार एसआई यूनिट से रिलेटेड, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, ट्रेन, मेंस्ट्रुएशन, जियोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस से बेस्ड भी क्वेश्चन थे। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ट्रेंगुलर नंबर। तो ट्रेंगुलर नंबर सीरीज होती है ये वाली, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45। तो अब क्वेश्चन ये आएगा कि ट्रेंगुलर सीरीज कैसे निकलती है। तो जैसे हमारे पास नॉर्मल सीरीज होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह नॉर्मल सी हमारे पास नॉर्मल सीरीज होती है। इससे यदि हम ट्रेंगुलर नंबर सीरीज पता करना चाहें तो कैसे निकालेंगे, स्टार्टिंग में 1 लिख दिया, इसके बाद सेकंड नंबर पर हमें लिखना है तो सेकंड नंबर तक के सारे नंबर हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड नंबर जोड़ लिया, 3 आ गया। अगर थर्ड नंबर पर लिखना है तो थर्ड तक के सारे नंबर जोड़ लेंगे, यहाँ पर 6 लिख दिया। फोर्थ देखना है तो फोर्थ तक के सारे नंबर जोड़ लेंगे, या फिर लास्ट नंबर में जो हमारे पास सीरीज आई है उसमें लास्ट नंबर में 4 जोड़ देंगे, इस तरह से। फिफ्थ नंबर निकालना तो लास्ट नंबर जो है हमारी सीरीज का आया उसमें 5 जोड़ देंगे तो 15 आ गया। और इसके बाद के निकालना तो जो लास्ट नंबर है उसमें 6 जोड़ देंगे, 6 नंबर निकालना है तो 20, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी। तो फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज पूछा था, तो फर्स्ट 5 नंबर को ऐड करके हम उसका एवरेज निकाल लेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ, इस शॉपकीपर विल गेट ए प्रॉफिट ऑफ  10% इफ ही विल सेल एन आर्टिकल फॉर 440। फाइंड द लॉस परसेंट इफ ही सोल्ड दैट आर्टिकल फॉर 370। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार को 10% का प्रॉफिट होता है यदि वह आर्टिकल को 440 रुपए में बेचे। मींस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मतलब उसको 10% का प्रॉफिट होता है। मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए मान ली और 10% का प्रॉफिट मतलब ये 110 रुपए सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ये 440, तो मींस मतलब इसको 4 से गुणा किया, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 400 रुपये, राइट। अब आगे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द लॉस परसेंट, तो लॉस प्रतिशत ज्ञात कीजिए यदि आर्टिकल को 370 रुपये में बेचा जाए। जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 400 रुपये, और सेलिंग प्राइस अब कितनी हो गई, 370 रुपये, तो हमारे पास टोटली उसके पास लॉस हो गया। लॉस कितना हुआ, 30 रुपये का उसके पास लॉस हो गया। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बटे कॉस्ट प्राइस। तो लॉस कितना हुआ अपने पास, 30 रुपये का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो लॉस आ जाता है। उसके बाद बट अपॉन 400 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, 4 से इसको डिवाइड किया तो ये अपने पास 7.5% आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारे पास करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विच मेटल कैन वी कट वाई नाइफ। तो कौन सा मेटल चाकू के द्वारा काटा जा सकता है, तो आंसर है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स है यहाँ पर न्यूटन,
न्यूटन यहाँ पर दी हुई है। यदि आप इसे अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना चाहें यूनिट ऑफ फोर्स का, तो हमारा एक साइंस का वीडियो डाला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं, जहाँ पर अच्छे से इसे समझाए हुए इसके फॉर्मूले से इसकी यूनिट किस प्रकार निकाली जाती है, सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है? एल एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन से वेस्ट भी आया था, और अगला एक क्वेश्चन आया था पर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर? कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है पीरियडिक टेबल में? तो वो होता है 29। अगला क्वेश्चन है, विच पार्ट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ फ्लोर फ्लावर? फ्लावर के टॉप पर जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा टॉप फ्लोर फ्लावर के टॉप पर जो होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं, और सेंटर में जो होता है उसे पेस्टल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ओनर ऑफ स्पाइस जेट? स्पाइस जेट के ओनर है केलेनिधि मारन। केलेनिधि मारन स्पाइस जेट के ओनर है। नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच गेम? नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड है। तो नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आया, हु इज द सी ए जी? सी ए जी होता है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सी ए जी हमारे इंडिया के हैं राजीव महर्षि। राजीव महर्षि हमारे इंडिया के सी ए जी हैं। वी वाई ए टी आई स्कीम, रियाति स्कीम बाज लॉन्च बाय विच बैंक? एक्सिस बैंक के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। एन ए टी ओ नाटू बाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? तो ये इसकी ईयर है 1949 में नाटो इस्टेब्लिश किया गया। हु गोट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड बाई पेटा? पेटा होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो ये अवार्ड अनुष्का शर्मा को मिला, एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा। हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन? टेलीफोन के इन्वेंटर कौन थे? एलेक्जेंडर ग्राहम बेल। एक मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, हरी माहू। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है हरी माहू। मिलिट्री एक्सरसाइज वाज हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? इंडिया एंड मलेशिया के बीच। अभी रिसेंटली एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम है मैत्री। एम ए आई टी आर डबल ई, मैत्री। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में, इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। तो मैत्री जो एक्सरसाइज हुई थी वो किस में हुई थी? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है। अगला क्वेश्चन है, वेवेक्स रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था, और इसके बाद एक हेलियम से रिलेटेड भी क्वेश्चन था। हाउ और अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन्स डज आउटर मोस्ट शेल हैव? तो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल है 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आया था, जैसा कि सबसे पहली कंट्री कौन सी है जिसका जिसमें जीएसटी स्टार्ट हुआ था? तो वो है फ्रांस। और इंडिया में सबसे पहले जो इस जीएसटी को लेकर आया था वो कौन सी समिति की सिफारिश पर आया था? तो ये था विजय केलकर समिति। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, सेकंड आ जाएगा हीलियम, लिथियम, इस तरह से आगे चलता जाएगा। हाउ मैनी वर्टेब्रल कॉलम्स वर्टिकल कॉलम्स डज ह्यूमन हैव? तो 33। पीएच वैल्यू से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। और इसके बाद है, फाइब्रिन इज मेड अप ऑफ व्हाट? फाइब्रिन इज मेड अप फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। उन्नति क्रेडिट कार्ड हैज बीन लॉन्च्ड बाय? उन्नति क्रेडिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो है एसबीआई बैंक।
नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? नीरज चोपड़ा रिलेटेड है जेवलिन थ्रो। यह ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी है जिसमें यह जेवलिन थ्रो मीन्स भाला फेंक खेल स्पोर्ट से है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था ओम्स लॉ से रिलेटेड, और अगला और यहाँ पर क्वेश्चन आरबीसी रिलेटेड भी आया था, सेल्सियस फारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी आना चाहिए। और इसके अलावा क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया? तो इस ये कार्ल लैंडर स्टीनर ने ब्लड ग्रुप को बताया था। जैसा कि ए बी जो होता है ब्लड ग्रुप वो सर्वग्राही होता है, ओ ब्लड पॉजिटिव ग्रुप ये सर्वदाता होता है। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स के फादर है ग्योगर मेंडल, ग्योगर मेंडल। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का केमिकल फॉर्मूला है RCH NH2COOH। विच गैस इज अवॉइड टू फूड फॉर्म ऑक्साइड? इसका आंसर है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, C3H8। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो है सी स्टैंड इन BCG, बेसिलस कैलेमिटी गेरिन, बेसिलस कैलेमिटी गेरिन। तो यहाँ पर सी है कैलेमिटी। इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज इंक्रीज व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस डिक्रीज? करंट की वैल्यू इंक्रीज की जाएगी तो रेजिस्टेंस का इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लाफिंग गैस? ना लाफिंग गैस साइंटिफिक नेम है नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइंस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स? लिक्विड की स्पेसिफिक किस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा की जाती है? तो यह है हाइड्रोमेट, हाइड्रोमेट इसका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सन में? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। एक ये क्वेश्चन रह गया था द डेजर्ट इज कोल्ड इन नाइट एंड हॉट इन द डे व्हाई? सैंड कैन नॉट होल्ड हीट, सैंड कैन नॉट होल्ड हीट, इसलिए डेजर्ट नाइट में कोल्ड होता है दिन में हॉट होता है। अगला क्वेश्चन है CAG डायरेक्टर, CAG डायरेक्टर है राजीव महर्षि। चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के चीफ है ओम प्रकाश रावत। अगला है कैपिटल ऑफ हॉलैंड, हॉलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। हु वाज ओलंपिक 2016 फ्लैग वेरियर इंडिया? जो है अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा। प्रेसिडेंट ऑफ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है नरेंद्र बत्रा, नरेंद्र बत्रा। अगला क्वेश्चन है दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है विनोद खन्ना को। व्यास सम्मान मिला है मानता कालिया को। इसके अलावा क्वेश्चन है पद्मश्री अवार्ड मिला है मुरलीकांत पेतकर को। इकोनॉमिक नोबल पुरस्कार मिला है अमर सेन को। और अगला क्वेश्चन है हु इज द ओनर ऑफ स्पाइस जेट? कैलानिधि मारन। इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? तो टेलीफोन इन्वेंट किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है हु डिस्कवर द इंसुलिन, इंसुलिन को डिस्कवर किसने किया? फ्रेडरिक बेंटिंग ने, फ्रेडरिक बेंटिंग ने। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर ओलंपिक गेम्स? द यूनियन मिनिस्टर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड ए टास्क फोर्स टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर ओलंपिक गेम्स 2020-24-28। तो इनका वेन्यू क्या रहेगा? 2020 में वेन्यू रहेगा टोक्यो, 24 में वेन्यू रहेगा पेरिस, 28 में वेन्यू रहेगा लॉस एंजलिस। अगला क्वेश्चन है द धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गुजरात में। इसके अलावा क्वेश्चंस हैं विच एलिमेंट हैज कैशन? तो इसका नाम है फ्लोरीन।
अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज फॉर व्हाट? मोशन के लिए दिया गया है, साउंड पिच इज डिपेंडेंट ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ ए साउंड वेव। अगला क्वेश्चन है, थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेन इज इन विच पार्ट? थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है फ्रंटल लॉब। एक क्वेश्चन स्पीड ऑफ लाइट से भी आया था। इसके अलावा क्वेश्चन है यहाँ पे, रन ऑफ कच्छ इन विच स्टेट? रन ऑफ कच्छ किस स्टेट में है? तो यह है गुजरात में। हु इज चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी है अरविंद केजरीवाल। हु इज द कैप्टन ऑफ बास्केटबॉल? बास्केटबॉल का कैप्टन है आकांक्षा सिंह। आकांक्षा सिंह। विच टीम वॉन वुमेन वर्ल्ड कप 2017? इंग्लैंड। सी एम ऑफ गोवा? गोवा के सी एम है मनोहर पर्रिकर। एक न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मैनी डायन? एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 1 लाख। 1 लाख। एटम्स इन ओजोन? ओजोन में एटम्स है O3, 3 ऑक्सीजन एटम्स। फाइंड काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला है 1/2 mv², m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी। थैंक यू फॉर दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक दिस चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।